नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत। ये वीडियो हम लोग आगे कैरी करते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी कि टैक्स टीडीएस होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो डिडक्टर है वो करना क्या हुआ, पहले उसको टैन ऑप्टेन करना हुआ, फिर उसके बाद पैन पे को ऑप्टेन करना हुआ, फिर टैक्स को डिडक्ट करना हुआ, ठीक है, फिर उसको डिपॉजिट करना हुआ चालान के थ्रू, फिर रिटर्न भरनी होगी, फिर उसको सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा, क्लियर। एक सेक्शन है 194IA, मैं बताऊंगा अभी आपको। यदि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में क्या हुआ, टीडीएस काटना पड़ता है। तो टीडीएस काटना पड़ता है तो उस केस में, सिर्फ उसी केस में पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पैन से काम चल जाएगा। मैं अभी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे वीडियो। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो सेक्शन है जितनी भी टीडीएस की सेक्शन है, ठीक है, 192A, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194B, 194C, 194E, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194L, ये किसकी सेक्शन है, आपकी टीडीएस की सेक्शन है। तो यहाँ पर जो पे है, यदि बात करूँ पे की, 192, 194B, 194BB, 194G, इस केस में ही सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या हो सकता है, पे ही हो सकता है। अदर केस में कौन होगा, पे कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट, क्लियर। पे जिसका टीडीएस हम काटेंगे, बेसिकली ये टीडीएस का जो कंसेप्ट है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा। इनकम, एक चीज और, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यदि हमने इनकम पर टैक्स काट लिया तो अब क्या इनकम टैक्स जमा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स अलग चीज है, टीडीएस कंसेप्ट एक अलग चीज है। टीडीएस कंसेप्ट बस ये कह रहा है आपसे कि आप इनकम जहां जिस पॉइंट पे कमा रहे हो उसी टाइम आपको टैक्स भर देना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसमें क्या होगा कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी, टोटल टैक्स कितना बनता है और टीडीएस कितना कट गया है, नेट आपको कितना पेमेंट करना है, नेट टैक्स कितना पेबल है आपका, क्लियर। 194, 195 ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट पे, यदि नॉन रेसिडेंट पे ही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे काफी सारी सेक्शन है यहाँ पर नॉन रेसिडेंट का नाम निशानी नहीं है, तो उस केस में कौन सी सेक्शन लगेगी, कोई टेंशन नहीं बात नहीं, उस केस में लगेगा 195। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई टाइम क्या है, कब टीडीएस कटेगा, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, मैंने आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया टीडीएस की, टाइम किस टाइम पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो चार सेक्शन है, ये चार सेक्शन क्या कह रही है कि पेमेंट आप टीडीएस काटोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अदर जितनी भी सेक्शन है, जितनी भी सेक्शन थी अदर, उसके अंदर क्या कटेगा, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज आर्ग्यूड। पेमेंट की मैंने अकाउंटिंग एंट्री बताई आपकी, क्रेडिट की मैंने अकाउंटिंग एंट्री बताई थी, ठीक है। यदि आप सैलरी का पेमेंट कर रहा हो तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटोगे। यदि आप बिलिंग फ्रॉम लॉटरी, यदि आपको बिलिंग फ्रॉम लॉटरी या कार गेम्स वगैरह से यदि आपको इनकम हो रही है, जैसे होता है ना कि करोड़पति में आपको कुछ जीता, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा, ठीक है। आपने बिलिंग फ्रॉम हॉर्स चल रही है, उसमें उससे आपने यदि कुछ बिलिंग करा हुआ है तो आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ, यदि आपको कंपनसेशन, यदि आपका पेमेंट, यदि आपकी कंपलसरी एक्वायर कर ली गई प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको कंपनसेशन मिला हुआ है, तो आपका पेमेंट, आपका टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्लियर। अदर सेक्शन में पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर यदि आपने टीडीएस काट लिया तो टैक्स जमा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने टीडीएस काट लिया है, यदि किसी का किसी भी टैक्सपेयर का, कोई भी टैक्सपेयर है, उसका टीडीएस कट गया, टैक्सपेयर का क्या कट गया, टीडीएस कट गया, तो टीडीएस कट गया इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स जमा नहीं करना है, टैक्स अलग चीज है, टीडीएस अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है, क्लियर। तो टैक्स भी जमा करना पड़ेगा, अगर बनता है, अगर नेट लाइबिलिटी टैक्स निकलेगी तो उसको जमा करना पड़ेगा। उसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। सपोज मिस्टर सुमित, एज कितनी है, 55 साल की उनकी है, बैंक अकाउंट में उनका, बैंक अकाउंट में उनकी एफडी है 20,000 रुपए, एज अ बैंक इंटरेस्ट वो रिसीव करते हैं, सीधे 194A में कट जाता है। 194A में इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट क्या है, सोर्स है, तो उस पर टीडीएस कौन काट रहा है, बैंक वाले काट रहे हैं, कितना काट रहे हैं, 10% रिमिट है। मैं भी आपको बताऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल है कि टीडीएस कौन सेक्शन में किस सोर्स ऑफ इनकम पे कटता है, क्लियर। तो टैक्स लाइबिलिटी इनकी निकालनी पड़ेगी पहले, तो आप ये मान के चलिए 20,00,000 पर कितना टैक्स आ रहा है, इनका निकल के 4,29,000 रुपए, टीडीएस कितना कटा हुआ है, 2,00,000 रुपए का, टैक्स कितना पेमेंट करना है, नेट अप 2,29,000। तो ऐसा नहीं है, यदि आपका टीडीएस कट गया तो आपको पेमेंट टैक्स का नहीं करना है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था
कि भाई इनकम आप कमा रहे हो आज प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या है, ये आपका चल रहा है अभी 2021, ये चल रहा है 2021, इनकम आप कमाते हो आज, टैक्स हम आपसे बदकर वसूल करें अगले साल, ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा चाहिए कि इनकम आप आज कमाओगे और टैक्स बाद में, तो इसके लिए वो तीन कंसेप्ट लेके आए, टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट ऑफ एडवांस। तो क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जिस ईयर में इनकम कमाते हो टैक्स तो आप तभी भर दो, चाहे रिटर्न बाद में भर लेना कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका टैक्स लाइबिलिटी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन टैक्स तो आपको आज ही जमा करना पड़ेगा, टैक्स तो आप आज ही जमा कर दो, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए तीन कॉन्सेप्ट लेके आया, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये टीसीएस क्या है, जस्ट आका टीडीएस, पर टीडीएस में क्या था कि पेड टीडीएस काट लेता था, और टीसीएस में क्या है, पेई, पेयर पैसे देने वाला, पेई पैसे जिसको मिल रहे हैं वो क्या करेगा, साथ में जो पैसे जो कहते हैं प्रॉपर्टी जो आपको होल्ड करने के पैसे मिल रहे हैं वो तो आप लोग ही लोगे, साथ में आप उससे टीसीएस भी कलेक्ट करोगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस की पेई पे सौंपी गई है, यहाँ पर किसी थी पेयर की थी, ठीक है, पेमेंट ऑफ एडवांस चेक, एडवांस चेक की आपसे जो एसएससी है यहाँ पर सेकंड पर्सन को ही पकड़ा है, यहाँ पर उसी को पकड़ा है जिस पर इन्होंने क्या करना है, टैक्स जमा करना है, तो यहाँ पर क्या है जो एसएससी है, एसएससी जो टैक्स पेयर है उसको डायरेक्टली एडवांस चेक जमा करना है, यहाँ पर तो इनडायरेक्टली जमा कर रहा था, यहाँ पर तो उनका सेकंड पार्टी जमा कर रही थी यहाँ पर टैक्स, ठीक है, बट एडवांस ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस चेक में क्या है, यहाँ पर जो एसएससी है, एसएससी को क्या करना है आपका टैक्स जमा करना है, क्लियर, एडवांस के रूप में, एडवांस के रूप मतलब कि क्वार्टरली, उन्होंने डेट दे दी है कि आपको क्वार्टरली वाइज या प्रीवियस ईयर के एंड तक आपको टोटल जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती है आपको वो जमा कर देनी है। कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती, बिल्कुल भी वेट करने नहीं चाह रही है कि आप जैसे ही इनकम कमाओ और टैक्स हमें दे दो, आप जैसे ही इनकम कमाओ टैक्स हमें तब दे दो, ठीक है, वैसे कहने को तो टैक्स लाइबिलिटी टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तो आगे है, मतलब आप यदि प्रीवियस ईयर 19-20 का बात करोगे कह रहा है कि आपने टैक्स लाइबिलिटी जो है आपकी, जैसे अगर आपको फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 19-20 की रिटर्न भरनी है तो कब भरनी होती है, असेसमेंट है 20-21 में, भाई रिटर्न तो आप भर लो नेक्स्ट ईयर तक, पर टैक्स तो आप अभी जमा कर दो, ठीक है, तो हम कैसे कैसे टैक्स आपसे एडवांस ले लेंगे, हम टीडीएस के रूप में ले लेंगे, हम टीसीएस के रूप में ले लेंगे, हम आपसे एडवांस चेक ले लेंगे, जो टीडीएस है टीडीएस कौन वसूल कर लेगा, टीडीएस सेकंड पार्टी कर लेगी, टीसीएस सेकंड पार्टी कर लेगी, बट जो एडवांस चेक है वो आपको खुद से जमा करना होगा, ठीक है। अनदर मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, एक मोड और है कि जो आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, जो आपको नॉन मॉनेटरी परचेजेस दिए जाते हैं किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उस पर जो टैक्स बनता है, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर उस पर टैक्स पेमेंट कर देता है, ठीक है, यदि एम्प्लॉयर टैक्स पेमेंट कर रहा है तो एक मूड वो भी है कि एम्प्लॉयर से क्या करा टैक्स वसूल कर लिया नॉन मॉनेटरी परचेजेस, ठीक है। बाकी जो नेट जो उनका क्या कहते हैं टैक्स पेबल आ रहा है वो असेसमेंट ईयर में सेक्शन 144 ए के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा जिस पर सेल्फ असेसमेंट निकल के आ रहा है, ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मिस्टर राम हैज हाउस प्रॉपर्टी, इनकम कितनी है 4 लाख रुपए, ठीक है, पीजीपीपी इनकम कितनी है 3 लाख रुपए की, इनकी टोटल इनकम कितनी होती है 7 लाख रुपए की, ठीक है, इनका 40,000 रुपए का टीडीएस कट चुका है 194 आई में, ठीक है, ही डिपॉजिटेड 35,000 रुपए एज इन सन्स ट्यूशन फीस, ये कहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80C में आपको इसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख आ गई, आपको ATC का बेनिफिट मिल गया, आपकी नेट इनकम आ गई 6,55,000, इस पर टैक्स कटता है आपका 43,500 रुपए, इस पर सैस हो गया आपका 17,000 रुपए, आपको पेमेंट करना करता है टैक्स, कितना टैक्स लाइबिलिटी जिस कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी, क्या कहते थे टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है 45,240 रुपए, कौन से फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है 45,240 रुपए आती है, आपका टीडीएस के रूप में कितना कट चुका है, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा 40,000 रुपए का, नेट आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना जमा करना है 5,240, तो यहाँ पर दो चीज डाउट क्लियर हो गए आपके, एक तो ये कि यदि आपका टीडीएस कटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है, यदि आपका टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स पेमेंट करना है। सेकंड थिंग, जो आपका टीडीएस कटा हुआ है उसका क्या मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कहाँ से किसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलेगा, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलेगा। टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसके अगेंस्ट में क्या मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा,
क्रेडिट भी आपके पास क्या था, सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था, सर्टिफिकेट आता है फॉर्म 16, फॉर्म 16 ए, फॉर्म 16 बी, आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। नेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक चीज और भाई, आपको 194A में आपका TDS आता है, आपका ये इंटरेस्ट पर डिडक्ट करता है, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया जिस पर टैक्स काट दिया हमने 10,000 बैंक वाला, ठीक है। पेमेंट करता आपको 90,000 रुपए, तो आप इनकम कितनी दिखाओगे, 90,000 दिखाओगे, 1 लाख दिखाओगे, भाई आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख की तो इनकम है, 90,000 तो नहीं है, आपकी तो इनकम 1 लाख है, वो तो TDS काटा हुआ 10,000 रुपए TDS के रूप में, वो तो आपके अकाउंट में जमा हो गया, आपके पैन नंबर पड़ा हुआ है, तो उसका तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इनकम थोड़ी नहीं है, इनकम तो आपकी नेट कितनी है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप इनकम कितनी दिखाओगे, 1 लाख रुपए ग्रॉस, ग्रॉस इनकम दिखानी है हमें, नेट इनकम नहीं दिखानी है। 10,000 का तो TDS आपको कटा हुआ, उसका तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये सेक्शन क्या, 191, ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट मतलब क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि हर एक सोर्स पर TDS नहीं कट रहा है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जहाँ पर TDS कट ही नहीं रहा है, तो फिर क्या आपको टैक्स जमा नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके टैक्स आप भी दोस्तों, आप क्या करोगे, डायरेक्टली जमा करो, क्या करोगे, डायरेक्टली जमा करो, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द एसएससी, आप डायरेक्टली आप दो तरीके से जमा कर सकते हो, एडवांस टू टैक्स टू और सेल्फ एडमिन टैक्स टू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जमा करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और है, यदि आप क्या करते हो, आप यदि आपको TDS कटना था लेकिन उन्होंने काटा नहीं, तो फिर क्या आपको टैक्स जमा नहीं करना होगा, उतने पोर्शन का, तो नहीं, आपको टैक्स जमा करना होगा। यदि आपका TDS कटा था, आपका TDS नहीं काटा डायरेक्टर ने, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। इन व्यू ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 191, द प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स नेसेसरी हैड टू बी टेकन अगेंस्ट द एसेसी हूज टैक्स वाज लेवी टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड। एसेसी इन डिफॉल्ट रेफर टू एसेसी हू हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ऑब्लिगेशन। उसको असेसी इन डिफॉल्ट मानेगा, किसको असेसी इन डिफॉल्ट मानेगा, यदि जिस पर टैक्स लाइबिलिटी मतलब TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने टैक्स नहीं काटा हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे हम, असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे, क्लियर है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स सो डज नॉट डिडक्ट द होल एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एंड आफ्टर फेल्स टू पे सच टैक्स इज डिडक्टेड then such person shall be deemed to be assessee in default, ठीक है, क्या मानेगा, assessee in default मानेगा। However, the assessee himself उसने खुद से पे कर दिया टैक्स को, तो ये provision will not be applied, ये वाला provision assessee in default को नहीं मानेगा। यदि जिसका टैक्स करना था तो pay, जिसका टैक्स करना था उसने खुद से क्या करा, इनकम दिखाई अपनी वाली, इनकम दिखा के उसने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। यदि वो टैक्स पे करेगा तो फिर जो डिडक्टर था, जो डायरेक्टर था टैक्स डिडक्टर पेयर था, उसको हम क्या मानेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, लेकिन उसको इंटरेस्ट को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि लेट पेमेंट हुआ है, ठीक है। जितना लेट पेमेंट होगा उस डेट तक का उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को बेयर करना ही पड़ेगा। एक तो असेसी इन डिफॉल्ट मानेगा, किसको असेसी इन डिफॉल्ट मानेगा, जो TDS डिडक्ट नहीं करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TDS डिडक्ट करनी, बट उसने नहीं करा। सेकेंड थिंग, डायरेक्टली असेसी, जो असेसी जिसका TDS कटा था उससे टैक्स की रिकवरी किया सकती है यदि TDS नहीं कटा है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहली सेक्शन 192, ये क्या कहती है, ये कहती है एलिजिबल डायरेक्टर कौन है, एम्प्लॉयर, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयर हु आर पेइंग सैलरी। अब सामने वाली पार्टी कौन होगी जो पे होगी, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। Every person responsible for payment of salary, income shall estimate the tax liability of recipient and the tax to estimate shall be deducted in a 12-month installment. होगा क्या? यहाँ पर आपकी पूरे साल की, आपकी सैलरी के हिसाब से, आपकी सैलरी की इनकम के हिसाब से आपकी क्या क्या निकाली जाएगी, इनकम निकाली जाएगी, इनकम पर क्या निकाला जाएगा, टैक्स निकाला जाएगा, टैक्स निकालने के बाद जो टैक्स आएगा उसको डिवाइड कराया जाएगा 12 मंथ से, तो आपको हर मंथ उतना क्या करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपकी इनकम निकाली जा रही है, क्या इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाली इनकम आएगी, सैलरी वाले केस में होगा क्या, सैलरी वाले केस में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, पहले एम्प्लॉय की क्या करेगा, सैलरी कैलकुलेट करेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, सपोज इनकम फ्रॉम सैलरी आती है 20 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आती है 20 लाख रुपए, ठीक है। इस पर क्या निकाल जाएगा, टैक्स निकाल जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी
यदि मोर देन वन एम्प्लॉयर है तो ये एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वो अपनी एक एम्प्लॉय की ड्रेस किसको सबमिट करेगा। तो क्या करेगा, वो अपनी एक एम्प्लॉय की सैलरी की इनकम क्या करेगा दूसरे वाले को सबमिट करेगा, दूसरे वाले क्या करेगा उस एम्प्लॉय को उसके सैलरी को कंसिडर करेगा, टोटल जो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी उसको कंसिडर करेगा। इसके अलावा क्या अदर सोर्सेज की अदर हेड की जो इनकम है, यदि एम्प्लॉय चाहे तो अदर हेड की जो इनकम है उसको डिटेल्स क्या करेगा अपने एम्प्लॉय को देगा। फिर एम्प्लॉय क्या करेगा एम्प्लॉय को देगा। एम्प्लॉय क्या करेगा टोटल इनकम पर क्या निकालेगा टैक्स निकालेगा उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा 12 से। क्या अदर हेड की लॉस की इनकम भी दी जा सकती है, तो अदर हेड की सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड जो लॉस हो रहा है पर वही इनकम दी जा सकती है और किसी भी हेड की लॉस की इनकम दी जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा क्या हमें ATC का बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पर आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में जिस तरीके से इंडिविजुअल एसओपी का होता है, इंडिविजुअल की स्लैब रेट के हिसाब से उसका टैक्स निकाला जाएगा, टैक्स निकालने के बाद उसको 12 से डिवाइड किया जाएगा, वो आपका मंथली टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ATC का बेनिफिट मिलेगा आपको। ATC का जो बेनिफिट होता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईयर स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय है उसको क्या करना पड़ेगा, ईयर स्टार्टिंग क्या करेगा अपनी डिटेल सबमिट करेगा कि मैं एस्टिमेटेड मेरे ATC तक के इंडस्ट्री होने वाले हैं तो आप मुझे मेरी इनकम पर क्या दे दो, आप मेरी इनकम पर बेनिफिट दो और मेरा नेट पे क्या कर दो आप TDS कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई। However, while estimated tax liability assessee shall allow to deduction under section HCHU but only on the notified deduction like ATT, HCCC, तब आपको क्या मिल जाएंगे, बेनिफिट मिल जाएंगे, सम पार्ट ऑफ ATT shall be considered the liability to deduct tax accrued in case of salary only at the time of payment। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कब TDS काटा था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट। हमने सेक्शन 192 में पढ़ा था कि 192 को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट पर टैक्स काटना होगा आपको, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट नहीं काटना होगा, पेमेंट जब आप पेमेंट करोगे सैलरी का उस टाइम आपको क्या करना होगा टैक्स TDS काटना होगा। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड ABC लिमिटेड, कहते हैं बेसिक सैलरी कितनी है 50,000 पर मंथ, ही हैज इन्वेस्टेड कितना है 50,00,000 इन NFT। ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है इतनी आ गई इनकी, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है 5,60,000 रुपये, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई इतनी आ गई आपकी, NFC कितने परचेज करें 50,000 के, नेट इनकम कितनी आ गई इनकी 5,10,000, टैक्स इनकम पर कितना 14,500 रुपये। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन 4% आ गया, टोटल इतना आ गया 1,200 रुपये, इसको हम डिवाइड 12 से कर देंगे आपका क्या आ गया हर मंथ का डिटेल्स इतना हम काट देंगे। क्लियर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जिस तरीके से हम इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, पहले यहाँ पर इंडिविजुअल की इनकम पर टैक्स कैलकुल करेंगे, टैक्स को क्या करेंगे टोटल 12 से डिवाइड करेंगे और ये जो इनकम निकालेंगे ये आप मान के चलो अप्रैल जो अप्रैल मंथ है उसमें हम एक एस्टिमेटेड इनकम निकाल देंगे, एस्टिमेटेड कुल साल की कितनी इनकम होने वाली है। यहाँ पर हम वो चीज़ कंसिडर नहीं कर पाएंगे जो एबनॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल चीज़ कैसे कंसिडर कर पाओगे कि आप आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बेचोगे कितने ही बेचोगे कितना प्रॉफिट होगा, किसी को कंसिडर नहीं कर सकते ना। इसके अलावा यदि आपको अदर हेड की इनकम पता है आपको तो आप अपने एम्प्लॉयर को किसी भी एक एम्प्लॉयर को अपने अदर हेड की इनकम दे सकते हो, अदर हेड की इनकम भी दे सकते हो कि सर मुझे इंटरेस्ट से इतना मिलने वाला पूरे साल में, मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी इनकम होने वाली है, ठीक है, इस तरीके से मुझे कैपिटल की इतना होने वाला है, जो भी आपको इनकम होने वाली है उसकी डिटेल आप कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर आप क्या करेगा TDS काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों अपनी अदर सोर्स की इनकम को अपने एम्प्लॉयर को बताएं, भाई इसलिए करो यदि आपका टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा आपका टैक्स प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा, जब प्रॉपर तरीके से टैक्स सबमिट हो जाएगा तो आपको होता है इंटरेस्ट की पेनल्टी से आप बच जाओ, जिसकी पेनल्टी से इंटरेस्ट पेनल्टी से जो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है लेट पेमेंट सबमिट पर, तो उसका आप उससे बच जाओ। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अपनी जो अदर सोर्सेज की इनकम है उसको भी आपको क्या करना चाहिए, या तो आप उसको एडवांस के रूप में जमा कर दो, तो आप उसको क्या करो एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर दो, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर को डिटेल दे दो क्या करेगा वो उसको एडजस्ट करके आपकी TDS काट लेगा, या जिस पर आपको आप पर इंटरेस्ट की पेनल्टी से आपको बचाओ। मोर देन वन एम्प्लॉयर तो आपके पास है, आप इफ एनी पर्सन इज वर्किंग विद टू एंड मोर एम्प्लॉयर इन दैट केस ही शुड सबमिट द पार्टिकुलर ऑफ हिज सैलरी इनकम फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर टू वन ऑफ द एम्प्लॉयर हु विल TDS taking into consideration income from all the employees। ठीक है, तो यदि आप चार भी एक फॉर्म होता है चार भी आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है अपनी प्राइवेट इतनी बढ़ती है, तो उसके जरिए उस फॉर्म के जरिए आप कर सकते हो अपने जो
अदर हेड की इनकम, उसको अदर हेड की इनकम या सैलरी यदि आपको कहीं और से मिल रही है, उसकी डेल आप क्या करोगे अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, तो आपको क्या करेगा आपका टीडीएस एडजस्ट करके काटेगा। इनके साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयड अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर या चेक अप जॉब विद अनदर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर हिज रिटायरेशन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयर यू मे फर्निश द डिटेल ऑफ द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्स डिडक्टेड देयरफ्रॉम एंड सच एज पार्टिकुलर ऑफ द करंट एम्प्लॉयर देयरफॉर द सबसिक्वेंट एम्प्लॉयर टू टेक सच इन्फॉर्मेशन इनटू कंसीडरेशन एंड डिडक्ट द टैक्स रिमेनिंग पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय रेम्युनरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर बट टुगेदर फॉर दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल। यदि सैलरी इनकम के अलावा भी कोई इनकम है तो उसकी डिटेल भी क्या कर सकता है अपने एम्प्लॉयर को दे सकता है, वो 192 में क्या कर लेगा टीडीएस काट लेगा, कौन काट लेगा एम्प्लॉयर काट लेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ए टैक्स पर हैविंग अ सैलरी इनकम इन एडिशन टू द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर वे सेंड टू द एम्प्लॉयर द फॉलोइंग पार्टिकुलर सच अदर इनकम पार्टिकुलर एनी टैक्स रिटर्न अंडर एनी अदर प्रोविजन लॉस इफ एनी टू अंडर इनकम प्रॉपर प्रॉपर्टी। यदि अदर हेड से उसको कोई इनकम हो रही है किसको एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को तो उसकी डिटेल भी दे देगा, टीडीएस भी कटा हुआ उसकी टीडीएस की डिटेल भी दे देगा, ठीक है। इसके अलावा लॉस के लिए एक ही हेड का रह सकता है इनकम का भाग कटेगा और अदर हेड का लॉस नहीं दे सकता। एम्प्लॉयर शैल टेक अब पार्टिकुलर इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ठीक है। बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी पर टैक्स कैसे कटता है वो मैंने आपको बताया था, आपकी इंडिविजुअल की अगर निकाली जाएगी पहले इनकम निकाली जाएगी, पर इनकम पर टैक्स निकाला जाएगा टोटल इनकम निकाली जाएगी उस पर टैक्स निकाला जाएगा उसको डिवाइड कर जाएगा 12 से, इतना आपको क्या काटेगा टीडीएस काटेगा। टैक्स ऑन नॉर्मलिटी परचेज पेड बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर शैल हैव एन ऑप्शन पे टैक्स ऑन नॉर्मलिटी परचेज ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय विदाउट मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हिज इनकम सच टैक्स शैल बी डीम्ड एज अंडर टैक्स ऑन नॉर्मलिटी परचेज एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो कितना टैक्स देने किस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यदि जो एम्प्लॉयर है नॉन मॉनेटरी परचेज पर कौन जमा कर रहा है कौन जमा कर रहा है एम्प्लॉयर जमा कर रहा है तो उसको क्या निकालना पड़ेगा एवरेज रेट निकालना पड़ेगा कितना टैक्स का, वो कैसे निकलेगा आपकी टोटल इनकम पर कितना टैक्स आ रहा है उससे तरीके से परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना परसेंट हम टैक्स लगा रहे हैं। एज पर सेक्शन 1010 CC द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परचेज शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय के हैंड में एग्जम्प्टेबल टैक्स होगा और विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी इनकम पार्ट माना जाएगा। फॉर द एम्प्लॉयर द टैक्स फॉर पेड शैल नॉट बी अलाउड उसको एम्प्लॉयर जो टैक्स पे कर रहा है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्यों डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी जब इनकम भी नहीं जुड़ रहा है तो हम आपको डिडक्शन मिलेगी। आपको क्रेडिट ऑफ टैक्स फॉर पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी गिवन टू द एम्प्लॉय व्हाइल कंप्यूटिंग हिज टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट उसको मिल जाएगा। इशू सर्टिफिकेट फॉर नॉन डिडक्शन इसी वजह से इशू सर्टिफिकेट फॉर नॉन डिडक्शन डिडक्टिंग टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 197 में क्या है कि आप क्या करोगे अपने जो आपके एओ हैं उसके नौकर हैं उनको रिक्वेस्ट करोगे कि सर मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए, क्यों नहीं काटा जाए क्योंकि उस पर इतनी मेरी इनकम नहीं है, इतना मेरी इनकम नहीं आ रही है, इतना टैक्स नहीं बन रहा है तो मेरी इनकम पर टीडीएस ना काटा जाए, आप क्या करोगे एओ को रिक्वेस्ट करोगे, एओ क्या करेगा एप्लीकेशन के जाएगी फॉर्म 13 में जाएगी, ठीक है। मैंने अप्लाई फाइल Employee find that his tax liability is less than the amount tax deducted source. In that case, he may apply the SOE method to issue a certificate for non deducting tax source for deducting a lower rate. ठीक है, क्या करोगे आप क्या करोगे अपने AO को रिटर्निंग ऑफिसर उसको क्या करोगे रिक्वेस्ट करोगे तो क्या करेगा आपका आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, आप वो सर्टिफिकेट किसके दोगे डिडक्टर क्या करेगा सर्टिफिकेट किसको क्या करेगा आपका टैक्स कम काटेगा या बिल्कुल नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद एक सर्तान साक्षा 206AA ये 206AA क्यों आया, ये 206AA ऐसी आया कि यदि आपका टैक्स क्लियर करना है 1%, ठीक है, और जो पेयर वो चाहता है मैं ना इनकम टैक्स से बचना चाहता हूँ, मैं तो सारे एक टर्नओवर बोले मैं तो दिखाऊंगा नहीं इनकम, बोले मैं टीडीएस आप काट लो लेकिन पैन नंबर नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा क्योंकि आप इनकम शो नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि आपने पैन नंबर अपने डायरेक्टर को दे दिया टैक्स डायरेक्टर को तो आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा, पैन नंबर शो हो तो आपकी इनकम भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टर क्या करता चला की करता है भाई मेरे 1% टैक्स करता है छोड़ो हटा, तो गवर्नमेंट ने कह दिया बेटा गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आप पैन नहीं देते हो पैन आप नहीं देते हो या पैन आप गलत देते हो तो आपका टैक्स हम काट लेंगे 20% जीएसटी कटवा देंगे 20% किस पर ग्रॉस पर 20% ग्रॉस पर 20% काट लेंगे बहुत ज्यादा 20% को प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। तो बात समझ भाई क्लियर है, तो सेक्शन 206AA क्या है कहता है यदि जो आपका डायरेक्टी है वो पैन नंबर नहीं देता आपको तो क्या करोगे आप 20% जीएसटी काटोगे, ठीक है, और फिर उसको क्लेम करने की मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि पैन वाइज तो है ही नहीं। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ।
इसी तरीके से हम लोग आगे आने वाले वीडियो मिलते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स जरूर पढ़ लेने, नोट्स पेपर जरूर रीड कर लेना, नोट्स रीड करे बगैर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक मत करिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ओके बाय।